आज जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये अभय बाबू और चारू से रिलेटेड है, गुडविल से ही ये क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है एडजस्टमेंट के साथ। अब वो एडजस्टमेंट में हम करते क्या है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि भाई तीन पार्टनर हैं और उसके बाद हमारे पास इसमें दे दी है इनकी डिटेल्स जो कि बताई गई है, उनके ईयर्स और इनके प्रॉफिट। लास्ट में एक इन्हें लॉस भी हुआ है, दैट इज ऑफ 5,90,000, तो उसे यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन में भी देखेंगे तो उन्होंने ब्रैकेट में मेंशन करा है, ब्रैकेट का मतलब है यहाँ पे लॉस, तो ध्यान रखिएगा। अभी हम पढ़ते हैं डायरेक्ट एडजस्टमेंट और क्वेश्चन में देखते हैं कहाँ कहाँ पे एडजस्टमेंट होनी है। सबसे पहले कह रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2020 अ कार कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेज एंड डेबिटेड टू द ट्रेवलिंग एक्सपेंसिस। देखो जब भी कोई एंट्री हम रॉन्गली डेबिटेड करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम करते हैं प्लस। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड एंड लेस क्या क्या चीज हम ऐड और लेस करते हैं इसकी एक लिस्ट प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप उसको चेक करें, अपने पास नोट करें, वीडियो को पॉज कर और जब लिख लेंगे तो वीडियो में फिर से कंटिन्यू कीजिएगा। फिलहाल अभी यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो 5,90,000 में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 1 लाख को ऐड करने वाले हैं। तो जब भी हम कोई एंट्री डेबिटेड बोल देना हमें गुडविल के क्वेश्चन में कि भाई डेबिटेड हो गई है, तो इट मीन्स आपको उसे ऐड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे से क्या करने वाले हैं एडजस्टमेंट में हम इसे करेंगे 1 लाख रुपए को ऐड। ठीक है, तो प्लस का आएगा 1 लाख रुपीज। अब ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसके अलावा क्या आएगा। अब यहाँ पर है नेक्स्ट एंट्री जिसमें कह रहे हैं ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 25%। अब क्या नहीं, जो 1 लाख रुपए का अमाउंट था ना कार खरीदने का, इस पे डेप्रिसिएशन भी लगा है, तो डेप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। एडलेस की अगर लिस्ट चेक करोगे फिर से जो आपने नोट कर ली होगी तो उसमें आपको दिखेगा कि डेप्रिसिएशन लेस करने वाले सेक्शन में है, तो लेस करना है। तो 1 लाख का 25% कितना होगा, 25,000 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 25,000। ठीक है, इसके बाद क्या करने के लिए कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिट टू द इनकम फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 एंड 2021। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अभी क्या है जो साल के एंड में, दोनों साल के एंड में हमारे पास 2020 और 2021 ये वाले जो साल है ना हमारे पास, यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारे इस इंटरेस्ट जो इनकम है इसे माइनस करना है। ठीक है, तो दोनों के लिए कहा गया है कि भाई 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 दोनों से इसे क्या करना है, माइनस करना है। तो जो भी नॉन रिकरिंग इनकम होती है या फिर हमारे पास इसमें बताया नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, तो इस तरह की जो इनकम है हमारे पास उसे हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये जो 10,000 हम दो जगह से माइनस करेंगे, एक 2020 से करेंगे, ठीक है, और एक हम यहां से करेंगे। ठीक है, तो इतना हमने कर दिया, अभी क्या होगा। अच्छा एक चीज और, जो 31 मार्च, जी जो ईयर गिवन होता है ना ये लास्ट के गिवन होते हैं हमेशा क्वेश्चन में, 31 मार्च के ही गिवन होते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हमने माइनस कर दिया। अभी हमें क्या निकालना है, फाइनल बैलेंस निकालना है। पहले प्रॉफिट के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो सिंपल एज इट इज हमने डैश छोड़ दिया पहले तीन एंट्री, तो ये आ जाएगा कितना, 1,50,000, सेम एज इट इज, नो चेंज। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री कितनी है, 3,50,000, तो एज इट इज रहने दिया। नेक्स्ट एंट्री ऑल्सो जो थर्ड वन है इसमें भी कोई चेंज नहीं था तो 5 लाख आ गई, लेकिन यहाँ पे क्या है एक एडजस्टमेंट है, 7,10,000 का प्रॉफिट हुआ था जिसमें से हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करनी है, -10,000 करना है। तो -10,000 कर देते हैं, बचेगा कितना, 7 लाख बचेगा। अब 7 लाख रुपीज बच गया हमारे पास, अभी इसमें करना है हमें, ये ऑलरेडी लॉस में था, 5,90,000 माइनस का है और 1 लाख प्लस का है, तो कितना होगा, प्लस माइनस 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 करके कितना आएगा यहाँ पे, माइनस का 490। तो 490 में अब क्या करना है हमें, अब ऑलरेडी माइनस का आया ना आंसर 490, तो 490 जो माइनस का आया, इसको मैं करके बता देता हूँ थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा वरना। हमने क्या करा, जो माइनस का 590 है उसमें प्लस कर दिया 1 लाख रुपीज, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 490, लेकिन ये यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में ही आएगा क्योंकि वैल्यू माइनस की बढ़ी थी। अभी 490 हमारे पास आ चुका है लेकिन अभी ये माइनस में है, तो अभी दो चीज हमें और माइनस करनी थी, वो क्या थी, 25,000 और 10,000। सो 25,000 और 10,000 कितना होता है, ये होता है 35,000। तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली यहाँ पे माइनस करते हैं, ये ऑलरेडी माइनस में है और माइनस क्या करना है, 35,000 है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, 5,25,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, 5,25,000 आएगा, लेकिन किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम तीन प्रॉफिट को, चार प्रॉफिट को हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं और एक प्रॉफिट को लेस करेंगे क्योंकि ये लॉस है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इन चार को ऐड करना है, ठीक है, और इसको माइनस करेंगे। तो जैसे ही हम इनको एडलेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 11,75,000 रुपए। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, 11,75,000 रुपए हम यहाँ पे लिखते हैं
और उसे डिवाइड कर देंगे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर गिवन। तो कितने साल का प्रॉफिट गिवन है, 1, 2, 3, 4, 5, हमने यहाँ पे डिवाइड करना है इसे, कितना आंसर आएगा, 235,000 रुपए आएगा। ठीक है, तो जो 235,000 रुपए हमारे पास आ गया, इसके बाद क्या क्वेश्चन में हमें कोई एडजस्टमेंट गिवन है, कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, अब बस डायरेक्टली गुडविल निकालेंगे। गुडविल का जो फॉर्मूला है वो क्या था, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट जो कि हमारा आ गया 235,000 रुपए मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ परचेज ईयर, कितना नंबर ऑफ परचेज ईयर है, 4 है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे 235,000 कितना काम है ना, 235,000 मल्टीप्लाई विद 4 आंसर आएगा 9,40,000, ये हो गया हमारा आंसर गुडविल का। तो इस तरह से क्वेश्चन होना है। अगर किसी और क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो, किसी भी टीएस ग्रेवाल के या डीके गोयल या फिर और किसी भी बुक के, तो क्वेश्चन कमेंट में मेंशन कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम हम उस पर वीडियो लेकर आएंगे। चलिए फिलहाल मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन।